यंग प्रोडिजी पैराडॉक्स यू आर। ये लौंडा तो मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे। ये तो आने वाले टाइम में सुनामी लेके आएगा। खो गया हूँ मैं, कहाँ खो गया हूँ मैं, ऐसी क्या सजा, खुद से खफा हो गया हूँ। क्या गलती गिना हूँ मैं सबकी, क्या गलती गिना हूँ मैं रब की, मैं खुद भी नहीं गोरा पन्ना हूँ, स्याही छुपाऊँ मैं जबकि राज ये जहन की छोड़ी है, बातें जहन की थोड़ी हैं। हाँ मैं खुद भी नहीं अच्छा पर दुनिया में आज मैं इतना टेंशन फ्री होके परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहा था, तेरे इमोशन सोक इन कर रहा था, और जो तेरे टैलेंट है उस पे मैं सरप्राइज हो रहा था कि अरे यार ये लौंडा तो मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे। ऑल द बेस्ट, वी लव यू। तू मेरा प्यारा डॉक्स है और रहेगा। प्यारा डॉक्स, लव यू यार। दिस इज अ रेडियो हिट फॉर श्योर। देखी मैं जमीन, देखा मैं आसमान, देखी मैं जमीन, देखा मैं अभिमान। इस स्टेज पे एक सफर खत्म हो रहा है, तो मैं आज एक्चुअली बोल रहा था कि मुझे खुशी भी हो रही है लेकिन थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है कि ये सब मैं वापस देख नहीं पाऊंगा। जब तुम लोग परेशान होते हो ना कि अब अगला मैं क्या करूंगा, अब यहाँ आकर कैसा परफॉर्मेंस करूंगा, कैसी मैं क्या चीजें करूँ कि जजेस लोग इंप्रेस हो जाए या फिर इम्पैक्ट आए मेरे वर्ड्स का, जब परफॉर्मेंस देखते आपके जैसे लोग आते ना तो हम लोग ये सोच रहे होते कहाँ से हम लोग वर्ड्स आए कि तेरे को इम्प्रेस कर पाए। क्या बोल पाए ऐसा, मैं ऐसा क्या नया बोलूँ जिसको सुन के पैरा को एक्चुअली में यकीन हो जाएगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू टू या लव यू यार। मैं तो डीनो के कमेंट्स भी मिस करूंगा, मेरे को तो अभी रियलाइज हुआ। सच में, सच में। डीनो के बाद फॉलो अप करने के लिए है नहीं, मैक्स हाइप कर दिया इसमें। बट लाइक यंग प्रोडिजी पैराडॉक्स यू आर फॉर ऑल ऑफ अस। व्हेन वी लुक एट यू, वी लुक एट द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप, एंड योर साउंड इज डेफिनेटली गोना गो इंटरनेशनल ब्रो। आई एम वेटिंग टू सी यू ऑन इंटरनेशनल स्टेजेस। इस छोटी सी जान में मतलब कितना इसने जहान बसा रखा है यार, मतलब कितनी वैरायटी है लड़के के पास। आप मेलोडीज देखोगे, मैं जब भी इसका गाना सुनता ना कुछ नया दिखता है मुझको इसमें, तो अभी तो कुछ देखा ही नहीं हमने इसका यार। मेरे को लगता है ये तो आने वाले टाइम में सुनामी लेके आएगा। लव यू, गॉड ब्लेस यू भाई। तो वो इंसान है जो कहता ना कि किसी पे आपको फकर होता है या आपको वो होता है, मेरे को इस पे घमंड है और हक से है। होना चाहिए भाई, होना चाहिए। कि अब यहाँ से जर्नी शुरू होती है, एक शो खत्म हो जाएगा, अब चीज ना सोलो चलेगी यहाँ से। जितनी ज्यादा मेहनत तू कर सकता है, एक भी अपॉर्चुनिटी जो टेबल पे आए वो छोड़नी नहीं है। बहुत टफ होने वाली कुछ चीजें, लोगों का जो प्यार है ना वो थोड़े टाइम बाद बोझ लगने लगेगा कि लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है और आगे बढ़ना है। और मेरे को तेरे पे घमंड था, है और रहेगा। पैरा, व्हेन यू आर काम एंड कंपोज्ड, यू आर अ बीस्ट ऑफ अ परफॉर्मर, कीप दैट अप। एंड आई नो दैट दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट आई एम सीइंग, बिकॉज़ द रियल मैजिक विल हैपन आउटसाइड द स्टेज, एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट, रियली रूटिंग फॉर यू, bleeding forever. Thank you so much, Farah.